सैनिकों को सूचना दे दी गई है कि वे अपने अस्त्र और अपने शस्त्र से सुसज्जित हो जाएं। सेना की एक टुकड़ी पश्चिमी द्वार के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कृष्णा ने हमें संदेश दिया है कि हमें सज्जित रहना है, क्योंकि शत्रु हम पर किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। इसलिए शत्रुओं को देखते ही हमें ये सूचना सेना तक भेजनी है। स्मरण रहे, हमारे पास ये सूचना भेजने का यह एक ही माध्यम है, इसलिए सतर्कता और सुरक्षा आवश्यक है। भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। अब तुम कृष्ण की सेना को अग्रिम सूचना नहीं दे सकोगे। अब युद्ध नहीं, आत्मसमर्पण होगा और यह द्वारका मेरी होगी। कृष्ण, तुम्हारा अंत निश्चित है और पुनः यह द्वारका मेरी होगी। मैं समझ गया था, यदि मैं उसके समक्ष खड़ा रहा तो मुझे भी मूर्ति बना देगा। मैं एक दीवार के पीछे छुप गया। तो तुम जटासुर से कितनी दूरी पर? जितनी दूरी समुद्र के किनारे और हमारे बीच है। इसका अर्थ है मुझे जटासुर से इतनी दूरी बनाकर रखनी होगी जब भी मुझे उस पर प्रहार करना हो। Ah!